सो गुड मॉर्निंग चैनल, सुबह के 6:30 बज गए एंड आई एम रेडी फॉर माई नेक्स्ट लैब टूवर्ड्स नागपुर एंड आई थिंक इट वॉज रिफ्रेशिंग इन द मॉर्निंग। और सुबह बैठ के जो मतलब मैंने यही रखा था कि जब मेरी आँख सुबह खुलेगी तब मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूँगा, कोई अलार्म नहीं रखा था बिकॉज मुझे लग रहा था कि चंडीगढ़ से जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी स्लीप पूरी नहीं हुई है, तो अभी यही टारगेट रखा है। और एक एडवांटेज ये है थार का कि आपको ब्रेक नहीं लेनी पड़ रही है ज़्यादा। तो गाड़ी के बारे में भी बात कर लेते हैं। फॉर अ लॉन्ग ट्रिप राइट, से व्हेन यू आर सेइंग 500 किलोमीटर्स एंड मोर, द कार इज़ नॉट हैविंग अ कम्फर्ट इशू। कम्फर्ट का सीट कम्फर्ट इज़ वेरी गुड। आई एम 6'1", सो अकॉर्डिंग टू मी ग्रेट विजिबिलिटी, everything is rightly placed, steering is good, but at times I struggle in keeping the stuff organized, like for example cables, then phones and everything, because there is very less space there, right? And then in terms of fuel economy, I'm just getting 11 kilometers per liter on petrol, so that reminds me that old gypsy, right, we used to have. तो अभी start करेंगे, और भी चीज़ें जो आती हैं encounter करते हैं वो भी बात करेंगे। और यूजुअली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग एट दिस लॉन्ग स्ट्रेच, लाइक फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ से बैंगलोर जा रहे हैं, तो काफ़ी सारे हाईवे टूटे रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम है, कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई इस गाड़ी में, बट वो स्मॉल पैचेस रहते हैं। वेदर एडवर्स हुआ, फ्लडेड रोड्स आई, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो दीज आर द थिंग्स। और हाँ, एक चीज़ और, जब आप शाम को सनसेट के बाद, इसकी लाइट्स इतनी इफेक्टिव नहीं है, जो स्टैंडर्ड हैलोजन आ रहा है, अभी आपने मेरी गाड़ी देखी होगी तो उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई है, दैट्स अ स्टैंडर्ड टॉप मॉडल ऑफ महिंद्रा कार, तो कोई ज़्यादा कॉस्मेटिक चेंजेस हैं थोड़े बहुत, पर उससे कोई परफॉर्मेंस इन्हांस नहीं हो रहा है। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग ट्रिप, गेट योर लाइट्स चेंज्ड, अ गुड वन। सो इफ़ यू हैव एनी लाइट्स, यू प्लीज सजेस्ट मी एज वेल। रात को देखने को नहीं मिली गाड़ी की हालत, ये है अपनी गाड़ी यहाँ पार्क है, और ये है क्लार्कसन राइट। सुबह सुबह अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी। पार्किंग इनके पास जो है यहीं पे पेवमेंट पे है, पर अच्छी पार्किंग है, सेफ पार्किंग है, इनका गार्ड रहता है यहाँ पर, तो आई थिंक आपको वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेन रोड पे ही पार्किंग है और यहाँ से हाईवे भी बहुत पास है, ज़्यादा दूर नहीं है। सब सामान वगैरह रख लिया है गाड़ी में, अभी हाफ टैंक है, सो वेयर विल टेक आर फर्स्ट ब्रेक, तो उसके आसपास आई एम थिंकिंग कि आई विल गेट द टैंक रिफ्यूल्ड। तो अभी मुझे लग नहीं रहा है कि अभी हम टैंक यहाँ से फुल कराएं, या फिर हो सकता है अगर कुछ अच्छा दिखे तो करा भी सकते हैं, मतलब अभी कुछ सोचा नहीं है यार मैंने ज़्यादा, मतलब इस बारे में कि टैंक फुल कराना है या नहीं। तो कैसा जा रहा है सिटी वैसा ही है अपना, मतलब सब लोग सुबह सुबह उठ रहे हैं, और एक आधी छुट्टी का दिन कह लो, सैटरडे है, कुछ लोगों की छुट्टी भी होती है, आईटी वर्कफोर्स में तो छुट्टी होती है, बट ग्वालियर इज़ नॉट अ सिटी ऑफ आईटी वर्कफोर्स, इट इज़ अ सिटी ऑफ फोर्ट्स और टूरिज्म एंड पीपल हैव देयर ओन लाइवलीहुड। तो यहाँ पे ऐसा कुछ अभी मुझे लगता नहीं कि छुट्टी वाला माहौल देखने को मिले, बट रिलैक्स डे तो दिखेगा क्योंकि सैटरडे आ गया है, एवरीबडी इज़ रिलैक्सिंग। ये रोड मुझे खासकर इधर वाली ये रोड्स ना थोड़ी अच्छी लगती हैं, क्योंकि थोड़ी खुली खुली रोड्स हैं, मज़ा आता है इनमें चल के ना, तो वो चीज़ है। तो बारिश होने लगी है अब, हम गलत चले गए लगता है, ये प्रॉब्लम हमेशा आती है, पिछली बार में गलत चला गया था यहाँ पे। चले जाओ भाई। ओके, अभी सिटी यहाँ कॉर्नर पे मैं रुका हूँ, यहाँ पर मेरे को सामने से फोर्ट दिख रहा है, थोड़ी सी बारिश, और बारिश फिर शुरू हो गई है, बारिश जैसे मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रही है, बारिश नहीं रुकने का नाम ले रही है आज तो बारिश का कोई आज क्या मेरे साथ, मुझे लगता है बारिश साथ ही चल रही है। सो जैसे ही मैंने वहाँ पे पानीपत क्रॉस किया था बारिश शुरू हो गई थी, एंड अभी तक बारिश थमने का कोई नाम नहीं ले रही है। बट सीन अच्छा हो जाता है सुबह सुबह, बट एक चीज़ है गाइज, बारिश जब ऐसी हो रही हो और रोड खासकर भीग गई हो,
तो आई वुड सजेस्ट कि स्पीड आप अपनी कम ही रखें, क्योंकि गाड़ी गाड़ी कभी भी एक्वाप्लेन या हाइड्रोप्लेन हो जाती है। तो होता क्या है, जब पानी की एक लेयर होती है रोड पे, तो कार स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन दैट। आप मुझे बोल रहे होंगे इतनी भारी गाड़ी इतने कम पानी पे कैसे फ्लोट कर सकती है। कंबाइंड विद द स्पीड एंड द वे द मोमेंटम ऑफ द कार, इट डज नॉट रियली टचेस द ग्राउंड, वो एक लेयर बननी शुरू हो जाती है व्हील्स के नीचे और उससे पानी के ऊपर गाड़ी फ्लोट कर जाती है। तो उससे अब अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी स्किड हो जाएगी। तो तभी वो कार्स के अंदर आप जब आप देखेंगे ना वेट टायर्स वेट ग्रिप, तो वो वाटर ड्रेनेज पैटर्न डालते हैं। दैट मीन्स के वाटर आपकी गाड़ी में के टायर्स में आए और वो ड्रेन हो जाए। तो फ्यूल डलवा ही लेता हूँ। अब फ्यूल भी मैंने सोचा मैं डलवा लेता हूँ, क्योंकि फिर आगे रुकना कहाँ है क्या है, मुझे फ्यूल स्टेशन मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, कितनी देर पे मिलेगा, रोड से उतरना होगा, बारिश कितनी होगी आगे, क्योंकि वेदर ख़राब होता जा रहा है। अभी हम एंटर कर गए अपने मेन NH44 हाईवे पे और साथ में है एक पावर ग्रिड, आपको दिख रहा होगा बहुत ही बढ़िया व्यू है। अभी बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है एज आई सेड, और गाड़ी मैंने क्रूज कंट्रोल पे लगा दी है क्योंकि रास्ते में अब ज़्यादा कोई रश भी नहीं है, ट्रैफिक भी मुझे दिख नहीं रहा है, एक सर्टन स्पीड को पकड़ के चलेंगे, कंसिस्टेंट स्पीड पे चलेंगे। और बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, बारिश में थोड़ी विजिबिलिटी जब कम हो जाती है तो यार कैटल्स का इशू तो है ही है यहाँ पे, वो थोड़ा एग्रेवेट हो जाता है, तो उसका थोड़ा हमें ध्यान रखना होगा। और आई एम इन वेरी गुड शेप राइट नाउ, व्हीकल इज़ इन प्रीटी मच गुड शेप, और जैसा कि पेट्रोल के बारे में सोचा था वो हमने भरवा लिया है, और आगे जाके देखेंगे कहीं पर और कोई इन द सेंस ब्रेक लेना होगा तो वो ब्रेक लेंगे। तो वैसे खाने के लिए बहुत सारे एम्पल फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स हैं, अगर कोई अच्छी जगह खाने की नहीं भी मिली तो ठीक है फाइन, बट हमें तो पता है ना जगह कहाँ है। देवरी पे अपना एक वो रेस्टोरेंट आता है आहार रेस्टोरेंट, दैट इज़ अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। आज बारिश नहीं रुकने वाली है, बारिश ने पूरा जोर पकड़ लिया है। इसमें ये है कि स्पीड भी थोड़ी कम ही चलेगी मुझे लग रहा है, कि अब ये है कि ब्रेक्स थोड़ी कम लेनी होगी, गाड़ी भी थोड़ी एक्वाप्लेन कर रही है, मैं जैसे ही कर्व ले रहा हूँ तो व्हील और थोड़ा ओवरस्टीयर हो रहा है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत डेंजरस सिचुएशन हो जाती है बारिश में। कंडीशन थोड़ी ख़राब है आगे आप जैसे देख सकते हो, और इधर डैम है, ऑफ रोडिंग कहीं बन गया है बिल्कुल, एक ही ब्रिज वर्किंग है तो इसी में से निकलना होगा और डिफ़िकल्ट हो जाता है बारिश के टाइम पे ऐसी सिचुएशन पे। बट जैसा कि मैंने कहा था कि जब इतने लंबे स्ट्रेचेस पे चलेंगे तो हमें ये चीज़ अकाउंट में रखनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही होगी, कहीं ना कहीं कोई ब्रिज टूटा होगा या कोई रोड टूटी होगी, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रिप है तो पता नहीं ना कि यहाँ पे कहाँ पे क्या हो रहा हो। तो और वैसे भी वेदर ख़राब है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, बट साइड में व्यू अच्छा है ब्रिज का, जो दूर तक व्यू दिख रहा है बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी ट्रक्स हैं आराम से चल रहे हैं और हम भी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, कुछ लोग ओवरटेकिंग की जल्दी में हैं। एक चीज़ और जो मैं फील कर रहा हूँ इस गाड़ी में होना चाहिए था, रियर डिफॉगर या रियर वाइपर, क्योंकि पीछे बारिश में देखो तो वो मतलब बहुत गंदा हो गया, विजिबिलिटी बहुत पुअर हो गई है, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, साइड RVM हेल्प कर रहे हैं दोनों और काफ़ी लार्ज हैं, बट ये जो सेंट्रल पार्ट है इसमें डिफॉगर या डिफॉगर नहीं आई वुड से वाइपर होना चाहिए था। सो बिकॉज बाहर से जो गंदा हो जाता है उसको क्लीन करना, क्योंकि व्हील्स बड़े हैं गाड़ी के, जब वो स्प्लैश आता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा आता है आई थिंक, जब आप थोड़े मड वाटर में रहते हो और स्ट्रेट है ना गाड़ी बिल्कुल पीछे से भी, तो वो जमने लग जाता है, तो इट डज़ नॉट फ्लो वेरी वेल। तो ये चीज़ है आई थिंक विच महिंद्रा शुड कंसिडर। ये गाड़ी डेफिनेटली कुछ पार्ट्स इसमें रखे गए हैं जो कि टूरिंग के हिसाब से, जैसे क्रूज़ कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल जनरली इज़ फॉर लॉन्ग टूरिंग लॉन्ग स्ट्रेचेज़,
तो इसका मतलब है कि महिंद्रा ने कंसिडर किया है कि लोग इसमें थोड़ा बहुत टूर तो करेंगे ही करेंगे, और यूजुअली जो ऑफ रोडिंग की डेस्टिनेशन है, एडवेंचर डेस्टिनेशन है, ज़रूरी नहीं है वो आपके घर के पास ही हो, बिल्कुल आप वहाँ से भी तो ट्रैवल करोगे अपने घर से और फिर वहाँ गाड़ी लेकर जाओगे, तो वो सारी चीज़ें कंसिडर करी हैं महिंद्रा ने, और डेफिनेटली जो कम्फर्ट लेवल है गाड़ी का दैट इज़ ऑल्सो टेकन इन टू कंसिडरेशन वाइल डिज़ाइनिंग दिस व्हीकल। सो कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें ऑब्जर्व करी हमने और हम करते रहेंगे अभी अपनी डेस्टिनेशन बैंगलोर की जब तक हम पहुँचेंगे, और विल बी शेयरिंग दैट। या पावर ग्रिड के सीन्स तो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब अमेजिंग, काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। यहाँ स्पीड लिमिट है 80 और हमें 80 मेंटेन करनी होगी, सो वी शुड नॉट बी ओवर एक्सेलरेटिंग। बारिश का मौसम है, 8 बज गए हैं और अभी मैंने कभी एक एप्पल ही खाया है, तो अभी देखते हैं कुछ और फ्रूट वगैरह खाएंगे या फिर कहीं पर ब्रेकफास्ट करते हैं। जब भी आप ग्वालियर से ये नागपुर वाले हाईवे पे हो और जो आपके सामने लॉरी अगर जा रही है वो कभी लेफ़्ट या राइट टर्न करे या लेफ्ट राइट लेन शिफ्ट करे, तो आप जो वो लेन विकेट कर रही है उसमें से ओवरटेक करने का कोशिश अगर कर रहे हो तो बहुत ध्यान से करना, तो दैट माइट बी अ रीज़न कि वो उसने लेन शिफ्ट इसलिए किया है कि आगे गाय है, ओके, कैटल है, तो ये सिचुएशन आ जाती है while traveling on this highway, so just keep your eyes peeled for this one. So ये आ गया आपका वो टर्न झांसी वाला, यहाँ से अब हम टर्न करेंगे झांसी के लिए। चलो बेटा वो टर्न है, तो हम झांसी के लिए टर्न लेते हैं। रोड यहाँ थोड़ा सा टूटा हुआ है, पैची है, बट नो वरीज, हमारे पास तो महिंद्रा थार है, कोई इशू नहीं है। काफ़ी सीन है क्या यार, तो हम पहुंच गए हैं झांसी और टाइम हो रहा है 8:26 और अभी हमें लेना होगा एक राइट टर्न। झांसी का तक का हाईवे एक्चुअली जो ग्वालियर से है बहुत ही बढ़िया है, सीनिक है, आप रुक के फोटोग्राफ्स भी खींच सकते हो, मैंने बहुत सारी फोटोग्राफ्स खींची थी व्हेन आई वाज ऑन बाइक, सो दैट्स व्हाई आई डिड नॉट स्टॉप। अब झांसी को क्रॉस करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं आगे, या झांसी में ब्रेकफास्ट करना है उसके बाद करना है, देखते हैं अभी क्या है। तो विल बी हिटिंग द झांसी हाईवे नाउ, झांसी के हम मतलब आउटर से ही निकल जाएंगे, वी विल नॉट एंटर द एंटायर सिटी ऑफ झांसी। काफ़ी ब्यूटीफुल है, मतलब साइड, मतलब ये जो सीन है ना, अमेजिंग, इट्स फंटाबुलस बोलूँगा, सीन बहुत ही बढ़िया सीन है साइड में, आप सीन इंजॉय कीजिए, मेरे को ध्यान ज़रा रोड पे रखना होगा क्योंकि मैं तो अपना डिस्ट्रैक्शन नहीं कर सकता रोड से, बहुत ही अच्छा सीन है। एक ये बात है NH44 की, यहाँ पे जो सीनिक ब्यूटी है ना, अमेजिंग है, इस हाईवे को ही एक्सप्लोर करने के लिए लोग आ जाएं तो बहुत ही बढ़िया है। कितनी है यहाँ पे काओ, कोई एंड नहीं है इसका। हाँ, तो एक चीज और है कि जो मुझे फील हुई है इस गाड़ी में वो ये है कि जो थोड़े मोड़े पॉटहोल्स हैं उनसे कोई फ़र्क नहीं होता इसे, क्योंकि हाईवेज जनरली कहीं ना कहीं पॉटहोल्स डेवलप हो ही जाते हैं आफ्टर रेन, तो वहाँ पे भी कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ता, आराम से निकलती चली जाती है। और एक एक कमांडिंग पोजीशन है ना, एक ऊंची हाइट पे बैठे हो आप तो विजिबिलिटी गजब की रहती है, मतलब दूर तक आपको दिखता है। मैंने सोचा मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ अपना टांगों को स्ट्रेच करने के लिए, थोड़ा सा वॉक कर लेता हूँ रोड के किनारे, बट मैंने अपने रेडिएटर ग्रिल पे कुछ अजीब सी चीज़ें देखी और देखा, अरे यार ये तो ड्रैगन फ्लाइज हैं, कितने सारे ड्रैगन फ्लाइज ओहो ग्रिल पे लगे हैं, भाई साहब
कोई अंत नहीं है। चलो एनीवेज, बग डिफ्लेक्टर लगवाया था, उसका कुछ तो फ़ायदा हुआ। तो हाईवे जैसे कि आप देख रहे हो बहुत ग्रीन और क्लीन लग रहा है, क्योंकि एक तो ग्रीन इसलिए भी लग रहा है क्योंकि बारिश होके हटी है, सीन बड़ा खूबसूरत है इधर। इधर नहीं देखूंगा, इधर वाइट लाइट ज़्यादा है, तो इधर का आप अगर सीन देखोगे तो बहुत खूबसूरत सीन देखने को मिलेगा। और इस पे ख्याल यही रखना है बस कैटल्स का, ठीक है, हमें अपनी कैटल्स 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 जो कि हमेशा एक प्रॉब्लम दे रही हैं। एनीवेज ठीक से चलते हैं, स्पीड स्लो रखेंगे, कोई ज़्यादा तेज़ नहीं जाना। काफ़ी सारे ड्रैगन फ्लाइज मार दिए हैं ना। ट्रैफिक जैम ऑन हाईवे ये देखने को मिलता है, हैं जब दो बड़े बड़े ट्रक एक दोनों लेन्स ब्लॉक करके चलना शुरू कर देते हैं। बेनिफिट तो है। हाँ एक चीज़ और बोलूँगा महिंद्रा थार के बारे में, जो कैबिन है इसका काफ़ी नॉइजी है, एयर जैसे ये 80-90 के अराउंड जाती है तो एयर आपको जैसे ब्लास्ट पता लगने लग जाता है कि गाड़ी में एयर ब्लास्ट आ रहा है, तो वो चीज़ मैं कहूँगा महिंद्रा को इम्प्रूव करनी चाहिए थी स्पेसिफिकली इस व्हीकल के केस में। कैबिन तो नॉइजी नहीं होना चाहिए था मतलब, एंड आई थिंक वो उसका रीज़न ये भी है कि ये हार्ड टॉप है, वो उसकी वजह से एयर आता है, एंड आई एम नॉट श्योर कि सॉफ्ट टॉप में कितनी प्रॉब्लम आती होगी इस चीज़ की, बिकॉज वो तो बिल्कुल ही दैट इज़ जस्ट लाइक अ फैब्रिक राइट, उसमें तो बहुत ज़्यादा अगर आप कहीं टूर पे निकले हैं इट वुड हैव बीन लाइक वुश टू योर ईयर्स। 9:20 और मैं पहुंच गया हूँ बबीना टोल पे राइट नाउ, और यहाँ पे भी फास्टैग इज़ वर्किंग एंड विल पुट आवर फास्टैग। मैं अब ये रूल बना लिया कि जब भी मैं फास्टैग के पास आता हूँ अपना एक बारी बैलेंस चेक कर लेता हूँ, अदरवाइज़ क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि कई बारी आपको डबल फिर वो चार्ज करेंगे, तो सिचुएशन ये हो जाती है। अभी वो फास्टैग होगा और हमारा फास्टैग क्लियर हो गया है, और अब हम फास्टैग क्लियर करके बबीना वाले टोल से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बबीना के बाद आएगा ललितपुर एंड देन आएगा सागर, और फिर हम देखते हैं अभी आगे कैसे चलता है। अभी भूख तो मुझे लग नहीं रही है एक्चुअली, एक एप्पल बड़ा स्टफिंग सा हो गया इसमें। सो आने वाला एक काफ़ी अमेजिंग सीन जो कि अभी हम देखेंगे, यहाँ पे काफ़ी 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 बढ़िया सीन, एक रिवर है ओहो पूरी भरी हुई है इस समय, बिकॉज रीज़न क्या है, रेन हो चुकी है एंड आई थिंक इट्स कम्प्लीटली फुल। सुंदर व्यू है मतलब, बट जो रोड है वो ख़राब है, अगर आप रोड देखोगे रोड की कंडीशन थोड़ी ख़राब है इस रेंज पे, तो डग 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 करके मेरी जीप जो है, क्योंकि ब्रिज जो है ज़्यादा वाइड नहीं है, इट्स अ नैरो ब्रिज, तो पर वीडियोग्राफी तो कर सकते हैं, एक वीडियो लेते हैं। बाहर चलें, ओके लेट्स गो आउटसाइड एंड चेक इट आउट। ओके सो लेट्स सी द शॉट देयर, सी अमेजिंग। मज़ा तो आ ही रहा है देखने में सीन को, और बट ये ब्रिज नैरो है, ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकूँगा क्योंकि फिर लोगों को प्रॉब्लम होगी, मतलब स्पेस कम बचता है यहाँ पर क्या बोलते हैं आपका पास बाई करने के लिए ना, तो इसलिए लेट्स गेट इनटू द थार एंड स्टार्ट बैक।
फाइनल स्ट्रिप और अच्छा हाईवे आ गया है, अभी हम अच्छे हाईवे पे चलाएंगे गाड़ी। तो थोड़ी यहाँ पे पॉट होल्स नहीं हैं और पैचेस भी नहीं हैं, तो देखते हैं कितना डिस्टेंस कवर कर लेते हैं ऐसे। अभी मैं लोग रुका था अपना रिफ्यूलिंग के लिए और मैंने रिफ्यूल कराया अभी गाड़ी को। तो ये है यूपी का ललितपुर। अभी यहाँ पे पूरे रास्ते कहीं पे एयर नहीं मिली मुझे, यही एक फ्यूल स्टेशन है जिसपे मुझे एयर मिला है। तो अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो और ललितपुर से क्रॉस करोगे तो ये फ्यूल स्टेशन आपके लेफ्ट साइड पे आएगा, भारत पेट्रोलियम का है और यहाँ पर आपको एयर मिल जाएगी। हाँ जी भैया जी, हो गया, घुमा के लगानी पड़ेगी। क्यों घुमा के क्यों लगानी पड़ेगी भाई? अरे भैया क्या बात कर दी है, चलो पाइप छोटा है, हमें गाड़ी घुमा के लगानी पड़ेगी। और रेस्टोरेंट ये आपके लेफ्ट साइड पे आता है जब आप चंडीगढ़ से आ रहे हैं, मतलब मेरा मतलब है ग्वालियर से आ रहे हैं। ये आ गया आहार रेस्टोरेंट और यहाँ पे ऑलरेडी कोई भी आया हुआ है मिस्टर। अरे इसने बस ने मेरे आगे ब्रेक लगा दी, शिट। चलो अब हम कोई बात नहीं, विल टेक अ टर्न इनसाइड। ओके तो ये थोड़ा सा ऑफ रोडिंग ट्राइप का ट्रेल है जो आपको रेस्टोरेंट लेके जाता है, थोड़ा यू टर्न लेना पड़ता है, बट दिस इज़ गुड, मज़ा आता है यहाँ तक जाने के लिए ना। और अंदर पार्किंग होती थी बट इन्होंने अंदर शायद ओके गाड़ियों की शायद बाहर ही होगी पार्किंग। अरे भैया अंदर लगा देंगे थोड़ा, ये खोल देंगे, अंदर लगा लूँ गाड़ी? नहीं लगा यार, नहीं सामान बहुत ज़्यादा है गाड़ी में, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ और मैं पहले भी आपके रेस्टोरेंट पे आता हूँ, मैं बहुत लंबे ट्रिप से आ रहा हूँ, आपके भैया ओनर जानते हैं मेरे को, तो यहाँ लगा। हाँ हाँ इसको खोल दो ज़रा। तो अभी सर खोलेंगे दरवाज़ा और हम चलेंगे अंदर। ओके गाड़ी को मिलेगी जगह। तो हम पहुंच गए अपने फेवरेट आहार रेस्टोरेंट में, बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट है। ये हुआ है कि मतलब आई हैव रीच्ड क्या बोलते हैं आहार रेस्टोरेंट राइट ऑन द लंच टाइम। ये फर्स्ट ट्रिप पे हुआ था जब मैंने डिस्कवर किया था आहार रेस्टोरेंट को। तो अभी आई थिंक ओनर यहाँ पे है नहीं जिनसे मैं मिलना भी चाह रहा था, तो कोई बात नहीं अभी हम खाना खाएंगे, हो सकता है थोड़ी देर तक वो आ जाए यहाँ पर। मुझे हमेशा से ये जगह बहुत ही बढ़िया लगती है, क्योंकि एक तो चीज़ ये है कि ऑर्गेनिक तरीके से लोग खाना बनाते हैं, कोई ज़्यादा ओवर स्पाइसी नहीं रखते हैं और बहुत ही क्वालिटी का खाना होता है। अच्छा दूसरी बात ये है कि अगर आपको वाटर वगैरह चाहिए या चिल्ड कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह चाहिए वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड आई थिंक दे हैव द एम्पल पार्किंग स्पेस आउट हेयर, सो यू नीड नॉट टू वरी, क्योंकि जनरली ट्रिप्स पे जब आप जाते हो तो आपके पास लगेज बहुत सारा होता है, राइट? तो वो वरी करने की ज़रूरत नहीं है, सामान आराम से लग जाता है। बाइक मैं पहले वहीं लगाता था, उस जगह पर बाइक पार्क करता था मैं जब मैं ट्रैवल कर रहा होता था। सो आई थिंक टाइम पर पहुँच गए मैं हम, और खाना खाते हैं, खाने में देखते हैं क्या क्या है अभी। और उसके अंदर सब हिंदी में लिखा हुआ है, मटर पनीर से लेके मलाई कोफ्ता तक और टमाटर चटनी से लेके मिक्स वेज तक, और दाल जो बेसिक वेजिटेरियन खाना होता है हमारा नॉर्थ इंडियन, वो आपको सब मिल जाएगा यहाँ पे। एंड प्राइसेस आर वेरी वेरी मच आई वुड से वैल्यू फॉर मनी। और ये है इफ़ यू लुकिंग फॉर हाइजीनिक वाटर, यू वांट टू रीफिल योर सेल्फ, वो भी चीज़ है यहाँ पे। आपको पानी आप मांगेंगे तो बिस्लरी का प्रॉपर पानी दे और क्या है, छोले भटूरे नूडल्स वगैरह, अगर वहाँ बैठ के खाना है तो आप वहाँ बैठ के भी खा सकते हो, आई मीन उस मंजे वाले स्टाइल पे, वो एक सबसे अच्छी बात है। और गर्मी में खासकर इन्होंने ये कूलर लगाया होता है जिससे आपकी सारी थकान उतर जाएगी, इतना ठंडा पानी, ठंडी हवा रहती है उसमें। तो मेरा मसाला छाछ तो आ गया है, एंड दिस इज़ लिटिल ग्रीन इन कलर, इसमें पुदीना वगैरह डला हुआ है, अमेजिंग, बहुत बढ़िया फ्लेवर है यार, मज़ा आ जाता है एक मसाला छाछ को पी के। एकदम बढ़िया।
बढ़िया। दाल का क्लोजअप देखना, यू विल लव इट, मजा आ जाएगा। यह दाल। सो लंच एकदम बढ़िया रहा आहार रेस्टोरेंट में, मजा आ गया खा के। और हाँ, अब हम चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। बिल्कुल सही टाइम पर लंच हो गया एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स नागपुर नाउ। अब आई थिंक फ्यूल की भी इतनी कोई ज़रूरत मुझे लग नहीं रही है अभी। हो सकता है नागपुर पहुंच के हम इसको रिफ़िल कराएं, कि मतलब कल के लिए गाड़ी रेडी करनी होगी ना। तो राइट टाइम पे बिल्कुल लंच हुआ है, 2 बज चुके हैं और मेरा लंच ख़त्म हो चुका है। बहुत ही अच्छा खाना था। अगर आप विज़िट करते हो कभी देवरी, या आप ट्रैवल करते हो ग्वालियर से नागपुर, तो ये रेस्टोरेंट मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा। NH 44 पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो बैंगलोर से लद्दाख की तरफ या रोहतांगला की तरफ, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट रेस्टोरेंट विच यू कैन हैव योर लंच इन दिस। ओके, दिस इज़ द बिगेस्ट सर्पेंटाइल आई हैव एवर सीन। दोनों साइड ऊंचे ऊंचे बैरिकेड्स लगे हुए हैं, इन द सेंस जो बाउंड्री वॉल्स हैं इस हाईवे की, बिकॉज ऑफ एनिमल एंड। सो बैड न्यूज़ ये है कि मेरी महिंद्रा थार का क्रूज कंट्रोल फेल हो गया है। आई ट्राइड सडनली चलते चलते ही बंद हो गया, मतलब इन द सेंस आई एम ट्राइंग टू यू नो इवन स्टार्ट दैट बाई इंक्रीजिंग द स्पीड। ये यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है ये बटन। सो ना ये बटन रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो अभी देखते हैं, रीस्टार्ट करके देखते हैं गाड़ी को। हो सकता है कि ठीक हो जाए दोबारा जब हम शट डाउन करेंगे, तो ब्रेक लेंगे कहीं पर। बट वैसे गाड़ी वारंटी में है और ये चीज़ें सब मुझे लगता है कवर्ड होंगी। बट क्वालिटी तो चेक करना चाहिए था महिंद्रा को, ये ऐसा प्रॉब्लम ना आए। पर बाकी मूड ठीक हो गया है। सीनिक बहुत ज़्यादा, एक बड़ा सीन बढ़िया देखने को मिल रहा है आगे से। डैश कैम भी कैप्चर कर रहा है, मैंने कहा मैं एक स्पेशल अपने हैंड से कैप्चर कर लूँ। ये भी जगह अच्छी है वैसे रुकने के लिए। शाम के बज रहे हैं 4 और मैंने लिया है अपना एक छोटा सा ब्रेक, जस्ट टू स्ट्रेच माई लेग्स। वैसे अभी तक का पूरा जो डिस्टेंस हमने कवर किया है अराउंड 600 किलोमीटर, उसके अंदर मैं आपको यही कहूँगा कि गाड़ी अनकंफर्टेबल नहीं है किसी भी पॉइंट से। गाड़ी बहुत ही, जिसको कहते हैं, कंफर्टेबल है। मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं है बॉडी पे, बिल्कुल अच्छा फील कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट क्या मुझे लगा, जो कि मैं शेयर करता, जो क्योंकि मुझे लगा कि मुझे कहना चाहिए, जो कैबिन नॉइज़ है ना, वो थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्टेड रखती है। डिस्ट्रैक्टेड रखती है मतलब ये रहता है कि मतलब वो साइलेंस इन कैबिन की हमें आदत होती है ना सेडान चलाते हुए, वो नहीं है। तो गाड़ी ऑब्वियसली आप 90, 80, 100 पे लेकर जाएंगे तो श करके नॉइज़ आएगी, वो मैंने पहले भी बताया था। शाम के 5:30 बज गए और मैं हूँ पेंच नेशनल पार्क में और यहाँ से क्रॉस हो रहा हूँ। अब मेरा ये है फाइनल लैप और जो हम फाइनल एफिशिएंसी अचीव कर पाए हैं कार पे वो है 12.5, यानी 12.5 किलोमीटर पर लीटर। सो दैट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ से क्रूज़ कंट्रोल एंड माय ड्राइविंग। प्लस अब ये क्या हुआ है कि क्रूज़ कंट्रोल वापस आ गया है, जैसा कि मैंने सोचा था। रीस्टार्ट करूँगा गाड़ी और क्रूज़ कंट्रोल ठीक चल जाएगा, और ऐसा ही हुआ है। मेरा मास्क बार बार नीचे गिर रहा है। हाँ, सो दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। नाउ एक चीज़ मैं बोलूँगा आप लोगों को कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे एक बारी वो टायर इंडिकेशन का इशू हुआ था, फिर उसके बाद वो अपना क्या हुआ, क्रूज़ कंट्रोल का इशू हो गया, ठीक है, ये सारी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है। तो मतलब हम इस पर ये नहीं बोल सकते कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी ख़राब है, बट आई थिंक महिंद्रा को थोड़ा सा और कंसनट्रेट करना चाहिए था मुझे लगता है, वाइल डूइंग अ क्वालिटी टेस्ट और क्वालिटी चेक ऑफ सेंसर्स, राइट। सो अभी आप पेंच नेशनल पार्क को अगर आप देखेंगे, बहुत ही सुंदर है ये। दोनों साइड पेड़ रहते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे पेड़ हैं, और एक सनसेट का जो नज़ारा है ना यहाँ का, बहुत बढ़िया लगता है। तो बहुत मेसमराइजिंग होता है, बट आप यहाँ रुक नहीं सकते हैं, यू कॉन्ट स्टॉप हियर बिकॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ। दिस इज़ अ नेशनल पार्क गाइज, एनिमल्स कैन बी देयर,
और वो अपने हंटिंग हंटिंग के लिए निकले हो सकते हैं या उन्हें खाना चाहिए, तो आप उनका खाना मत बन जाना। तो पहुंच गए हम अपने होटल पे, ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर रह गया होटल यहाँ से, और आप देख सकते हो कि अभी सनलाइट है, ठीक है। तो यही ऑब्जेक्टिव था कि सनलाइट के साथ पहुंचेंगे। एक्चुअली सनलाइट थोड़ी कम इसलिए होगी क्योंकि ऊपर क्लाउड है अभी, और अभी बज रहे हैं 6:40 और बस होटल रह गया 3 किलोमीटर। अब हम लेंगे आगे से अपना राइट टर्न, और वो गांव की गलियों में से ही निकल के हम सीधा निकलेंगे अपने होटल लेह मेरिडियन। ये लिटिल बिट ऑफ ऑफ रोडिंग ट्रेल है जो कि लेके जाता है हमें लेह मेरिडियन की तरफ। रोड नहीं है ये, मैंने शायद पिछले ब्लॉग में भी तो कवर किया था जब मैं बाइक पे था, बट रोड उस टाइम पे इतनी ख़राब नहीं थी, अभी तो काफ़ी ख़राब हो गई आई थिंक बिकॉज ऑफ रेन, ये सिचुएशन हो गई है यहाँ पर। बट ठीक है, ये तो कंट्री के हर पार्ट में होती है, ये छोटी मोटी दिक्कतों की वजह से हमें परेशान नहीं होना है, बट अपनी स्पीड को ठीक मेंटेन करना है। यहाँ से 2 किलोमीटर है करीब करीब होटल, we have reached Leh Meridian Nagpur. So 6:50 हो गए और मैं पहुंच गया हूं अपने होटल Leh Meridian इन नागपुर, जो कि मैंने बुकिंग की थी और जहां मैं हमेशा स्टे करता हूं, इन टाइम इन द सनलाइट, मतलब सनलाइट थोड़ी ख़त्म हो गई है बट हाँ पहुँच गया हूँ टाइम, ये बिल्कुल टाइम पे पहुँचा हूँ और ज़्यादा कोई डिले भी नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की मुझे ये लगती है, एक तो एम्पल पार्किंग है, अच्छे रूम्स हैं, स्पेशियस रूम्स होते हैं यहाँ के, मज़ा आता है एक्चुअली स्टे करने में, और मतलब सुबह फिर रिजुविनेट हो गया, आप अपना स्टार्ट कर सकते हो जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, सो हाउ शुड आई प्रोसीड थ्रू दिस? ओके फाइन एंड देन ओके so this has not changed, so yeah it's very nostalgic for me to come back and I still remember that couch which was there and I was just lazing around on that because I was damn tired, I was on my bike at that time. So difference is ke when you're on your bike and car you can still feel the difference, you are loaded with your gear, you're damn tired, but at this time I don't feel like so much tired or stressed, kyunki shayad ho sakta hai bike ki ka jo stamina hai wo thoda zyada ban jata hai bande ka. To abhi check in kar lete hain, uske baad aur baat karte hain, dekhne se hi aapko comfort level iska pata lag jayega. Amazing. So shuru se yahi aadat pad gayi hai meri Leh Meridian ki. Ek bari main thehra tha jo mera pehla trip tha Bangalore se Chandigarh ka, but uske baad se I just fell in love with this particular hotel. It's really awesome. और मैं ये कहूँगा आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा, इतनी लंबी जब जर्नी होती है थोड़ा पैम्पर जो है। सो विद द मीडियम ऑफ दिस वीडियो आई हैव ट्राइड टू कवर 2 things. वन इज द एक्सपीरियंस ऑफ लॉन्ग टूर एंड द इन डेप्थ रिव्यू ऑफ थार एज अ टूरिंग व्हीकल. सो आई एम स्टॉपिंग टूडेज व्लॉग राइट नाउ राइट हेयर, but we'll be continuing with the final lap, that is the day 3, very soon. So stay tuned for Freedom Films. If this review helped you in any ways, please do not forget to subscribe the channel.